हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नेक डिज़ाइन की बहुत ही सुंदर सी वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, यह नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे हम, आप काफ़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। 6 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी हम डबल फोल्ड में बुकरम लेंगे और देखिए उस पर इस प्रकार 1.25 इंच, 1/2 इंच और 1/4 इंच और फिर उसके बाद 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर हम 4 इंच, 1/2 इंच और फिर 1/4 इंच और फिर 1 इंच पर इस प्रकार निशान लगाकर उसे ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ से उसे कट कर देंगे। देखिए, ये हमारे नेक के 3 पैटर्न कट हो गए, एक सबसे बड़ा, फिर एक बीच का और एक सबसे छोटा। ये बीच का है और ये सबसे छोटा है, तो ये तीनों हमारे कट हो गए हैं। ये सबसे बड़ा है, ये बीच का और ये सबसे छोटा। तो हमने सबसे बड़े वाले नेक को लिया है और कपड़े के साथ अटैच कर दिया। यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। बुकरम के ऊपर से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट करेंगे। लगभग एक पैर का मार्जिन रखेंगे और इसे पूरे कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। अब इसमें छोटी छोटी कट के निशान लगाने हैं और फिर इसे उलटकर अच्छे से प्रेस की सहायता से सेट कर लेंगे। अब मैंने एक ही सिंपल पेपर लिया है और बीच वाला नेक है उसको इस पर ड्रॉ कर लिया है और मैंने ये लूपी पहले ही बना ली थी। अब हम इन्हें 2-2 इंच की हिसाब से कट करेंगे। तो देखिए, ये इतनी सारी लूपी बनाई है मैंने और इसको ही पेपर पर लगाएंगे। ऊपर की साइड से मैंने लगाना शुरू किया है और जो लाइन है उसके ऊपर से ही सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये ऊपर की साइड से सिलाई लगा ली है। अब जो नीचे की साइड लाइन है उसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब मैंने इसमें भी सिलाई लगा दी है बिल्कुल लाइन के ऊपर से। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट करके हटा देंगे। अब जो अंदर की साइड का पेपर है उसे भी कटिंग करके हटा देंगे। देखिए, इस प्रकार का पैटर्न बना है। अब ये जो छोटे वाला नेक है उस पर भी सिलाई लगानी है। इस पर बुकरम के नीचे से सिलाई लगानी है। ऐसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है और फिर ऐसे छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं और फिर इस पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा ली है। अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और रफ स्टिच लगानी है। अब रफ स्टिच करने के बाद हम इस पैटर्न को लेंगे और ऐसे दोनों कपड़ों के बीच में रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। देखिए, ये सिलाई हमें बहुत ध्यान से लगानी है। आप किसी नुकीली चीज़ से भी कपड़े को अंदर कर सकते हैं और पट्टी को बिल्कुल इक्वल रखना है।
तो देखिए ये पैटर्न हमारा काफ़ी सुंदर सा बनकर तैयार हो रहा है। देखिए पैटर्न तैयार हो गया है, इसे हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे जो आपको बहुत काम आएगी। और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो देखिए काफ़ी सुंदर सा हमारा नेक तैयार हो गया है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।